Hello, Assalamu Alaikum. So today we are going to discuss about one thing के FSC के बाद जो student exam देते हैं entry test का, और बहुत कम students का जो है वो merit बन पाता है. बाकी सारे students जो हैं specially pre-medical students अब वो बहुत ज़्यादा disappointed होते हैं, कुछ improve करने की कोशिश करते हैं. कुछ जो है अक्सर जो इस दफ़ा जो रिज़ल्ट आया उसकी बेस पे देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मुतनफ़र भी हुए हैं पढ़ाई से. लेकिन जो इन मराहल के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं, बेस्ट ऑप्शन अगर तो आपका मेडिकल में मेरिट बन रहा है तो वो सबसे अच्छा. अगर आपका नहीं बन रहा क्योंकि सीट्स बहुत कम हैं और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आपका मेरिट नहीं बन रहा तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो एबिलिटीज हैं उनको साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर ला. तो आजकल कंपटीशन का दौर है बहुत ज़्यादा, तो आप मेडिकल में भी करके भी खुद को सिक्योर नहीं समझ सकते. जितनी ज़्यादा स्टूडेंट जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स मेडिकल में आ रहे हैं उतनी ज़्यादा देखा जाए तो जॉब्स की फैसिलिटीज नहीं है, सीट्स क्रिएट नहीं हो रही. तो अपनी जो एबिलिटीज है, अपना जो टैलेंट है वो साइंस सब्जेक्ट की तरफ है, स्पेशली फॉर द प्री मेडिकल स्टूडेंट्स. अपना साइंस की तरफ आएँ, बायोलॉजी की तरफ आएँ, जुआलॉजी की तरफ आएँ, बॉटनी की तरफ आएँ. तो पता है कि अगर वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो ट्राई करें, इम्प्रूव करें, बेहतर है. लेकिन अपनी जो साथ साथ किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर स्पेशली FSC के बाद BS प्रोग्राम, उनका भी मेरिट बहुत हाई. लाइक बात की जाए पंजाब यूनिवर्सिटी में तो 1050 के राउंड अबाउट जो है वो मेरिट आ रहा है. बात यही है कि आपने डिसअपॉइंटेड नहीं होना, स्पेशली फॉर दोज इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, दोज आर वर फेल इन एंटी टेस्ट एंड उनका मेरिट नहीं बन पाता. तो उनके लिए मैं स्पेशल एक पैगाम है कि अपनी जो इम्प्रूव अगर आप करना चाहते हैं एक साल तो करें, साथ आप जो है BS प्रोग्राम में एडमिशन ले लें. क्योंकि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो कंपटीशन है वो बहुत इंक्रीज होता जा रहा है. अब तो जिसके इंटरमीडिएट में 950 या 1000 नंबर आ रहे हैं उनको भी BS प्रोग्राम के अंदर एडमिशन इस साल जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा मार्क्स आए स्टूडेंट्स के. सो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये मेरी एक सजेशन है. इसके अलावा जो मैथ्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो भी, अगर आपने उनका मेरिट बना है तो वो अपनी एबिलिटी मेरिट को गेन करें, अगर नहीं बना तो वो भी जो है BS प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल करवाएं. क्योंकि मेरिट जो है वो कंपटीशन जो है, अगर आपके 1040 मार्क्स हैं तो वन तो इस साल तो आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा कंपटीशन होगा तो आपको इनमें भी एडमिशन नहीं मिलेगा. तो लिहाजा अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ये प्री मेडिकल के लिए मैंने बताया, और ये प्री जो है इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहा हूँ. और इसके अलावा अगर जो स्टूडेंट्स अपने आप को इन दो फील्ड से और किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो क्या करें, वो सिंपल FSC के बाद जो है वो BSc करें और CSS के लिए खुद को प्रिपेयर करें. उनके लिए बेस्ट ऑप्शन आर्ट्स के स्टूडेंट्स स्पेशली. बाकी प्री मेडिकल के लिए जो स्पेशली है, मेरा बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, बॉटनी का, तो उसके रिलेटेड मैं आपको ये बताता जाऊँ दोबारा से कि अगर आपका मेरिट नहीं बन रहा, क्योंकि रिसेंटली मेडिकल का मेरिट बहुत हाई है, कंपटीशन है, स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और सीट्स जो हैं गालबन 3000 सीट्स होती हैं पूरे पाकिस्तान में, तो अगर आपने आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो करें, साथ साथ आप BS प्रोग्राम के अंदर अपने एडमिशन लें. बहुत ज़्यादा अब तो मेडिकल में आपने पहले भी तारुफ़ करके भी आप सिक्योर नहीं है, जॉब्स नहीं है, सीट्स नहीं है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं. तो वही हाल होना है जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स का हो रहा है. तो लिहाजा अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करें किसी आप बायोलॉजी के हैं तो BS प्रोग्राम में सारे साथ साथ तालीम जारी रखें, और इसमें भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए कि आप अपना जो गेन है, जो एम है वो हासिल कर सकें. सो डिसअपॉइंटेड नहीं होना, स्पेशली दो अभी जो एंट्री टेस्ट हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए अपने आप को BS प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो इनरोल करें. अब तो पाकिस्तान में वो भी शुरू हो गया कि BS के बाद डायरेक्ट PhD के लिए एडमिशन जो है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं.
सो अपनी जो एबिलिटीज है, अपना टैलेंट जो है वो जाया मत करें, डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. दिस इज द मैसेज फॉर दोज इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, दे ट्राई टू गेट मैरिड इन मेडिकल बट दे डोंट गेट मैरिड. सो दिस इज स्पेशल मैसेज फॉर दोज स्टूडेंट्स इनरोल्ड, जो अपने आप करवाएं बी एस प्रोग्राम्स के अंदर. पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटीज हैं, जैसी लाहौर में एडमिशन स्टार्ट हैं, इसके अलावा कायदे आज़म में स्टार्ट हैं. सो दिस इज़ अ शॉर्ट मैसेज फॉर ऑल द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स.